Today, we are going to learn how to install the Scratch software in our system. Okay? Yes, sir. Okay. Now, students, tell me, are you able to see my desktop screen? Yes, sir. Okay, now, now I'm going to install that software. This is the software, this Scratch Desktop. Are you able to see this icon, Scratch Desktop Setup 3.4.0? Yes, sir. Okay, you have to double click on it. Then it will take some time to open its setup file. And now it is installing on your system. It will go like this. This installation bar will be displayed on your screen. It will take some time to install on your system. Okay, now it is installed and now it will be started automatically. Like this. This is the first interface or first homepage of the Scratch software. In this, you have to press on no thanks, and this is the main deck interface of the Scratch screen. On the left side of the screen, you can see the various blocks: motion block, look block, sound block, event block, control block, sensing block, operators block, variables block, and then my blocks. Okay? Are you able to see my screen and listen my voice clearly, students? Yes, sir. Okay, just on the right side of the blocks, here we can see areas. Just a second, someone is coming. I need to admit that. Yes. Look here, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि जैसे मैंने motion block पे select किया, तो motion block से related जितने भी options हैं वो मेरे को right side में provided हैं, ठीक है? इसी तरह से मैं क्या करूँगा, अगर दूसरे block को select करूँगा, जैसे looks वाला block मैंने click किया, तो आप देख सकते हो looks वाले block से related सारे options मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? उसी तरह से sound वाले block को किया, तो देखो sound से related option, event पे click किया, तो event से related options, ठीक है? मतलब जिस block पे हम click करेंगे, उससे related option हमको इस right side, left side वाले panel पर दिखाई देंगे, ठीक है? इसके ऊपर आप देख लो, तीन options आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहला है code, जो coding करने के लिए important होता है। दूसरा है costume, ठीक है, जो मैंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग आपको सिखाई थी कि अगर आप अपने स्प्राइट की डिजाइनिंग खुद से करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर बाय डिफॉल्ट स्प्राइट हमको केवल एक दिखाई दे रही है, कैट, मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि जब आप स्क्रैच ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको केवल एक ही स्प्राइट मिलती है जो कि कैट होती है, ठीक है। तो अगर उस कैट पर आप कोई कुछ चेंजेस करना चाहते हो, उसकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग करना चाहते हो, तो आप कॉस्ट्यूम वाले विंडो से कर सकते हो। इसके अलावा इसमें राइट साइड में एक ऑप्शन होता है साउंड का, ठीक है। साउंड वाले ऑप्शन पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम कोडिंग सीखेंगे, ठीक है। ये जो बीच में स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, दिस ब्लैंक स्क्रीन, ठीक है, कोई बता सकता है ये कौन सी स्क्रीन है? ओपन योर माइक एंड रिप्लाई। कोडिंग नो, इट इज द स्क्रिप्ट विंडो, जहां पर हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं ना बच्चा, ये वो वाला विंडो है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, राइट साइड में ये जहां पर कैट हमको दिखाई दे रही है, ये कौन सा विंडो है? दिस वन। नो, दिस इज नॉट स्प्राइट, दिस इज स्टेज। स्टेज, यस, दिस इज स्टेज। स्प्राइट जिस पोर्शन में रहता है उसको हम स्टेज कहते हैं, ठीक है। जैसे ये कैट यहाँ पे है, इसको हमने यहाँ से उठा के यहाँ ले आए, यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आए। अगर दूसरा स्प्राइट इंक्लूड करना होगा तो वो भी यहीं पर आएगा, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं स्टेज, ठीक है। इसके नीचे हमको स्प्राइट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। जैसे अभी केवल कैट वाली स्प्राइट है तो कैट से रिलेटेड हमको ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम दूसरा स्प्राइट इंक्लूड करेंगे तो दूसरे ऑप्शंस रिलेटेड दिखाई देंगे। इतना सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो रिप्लाई करो यस सर, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज
टू इंक्लूड अ न्यू स्प्राइट, ठीक है, अगर हम अपने स्क्रैच के स्टेज पर इस कैट के अलावा कोई दूसरा स्प्राइट लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे? ठीक है, कोई बता सकता है मुझे कैसे होता है ये, कैसे हम नया स्प्राइट इंक्लूड कर सकते हैं? एनीवन? तो मेरे ख्याल से एक नीचे ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करते हैं तो फिर स्प्राइट आता है। हाँ, वेरी गुड। देखो मेरे स्क्रीन के बॉटम राइट साइड पे आपको दो ब्लू कलर का आइकन दिख रहा है, ये वाले, ये वाला आइकन दिख रहा है? यस सर। देखो क्या लिखा हुआ है, चूज अ स्प्राइट, है ना। स्प्राइट से रिलेटेड मैंने चार ऑप्शन आपको बताए थे। स्प्राइट को चार तरह से अपने स्टेज में इंक्लूड किया जा सकता है। देखो सबसे फर्स्ट वन इज चूज अ स्प्राइट, सेकेंड वन इज पेंट अ स्प्राइट, थर्ड वन इज सरप्राइज एंड फोर्थ वन इज अपलोड अ स्प्राइट। ठीक है, ये चारों ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन किए थे, तो हम चूज पे क्लिक करते हैं। देखो जैसे ही चूज पे क्लिक किया तो हमारे स्क्रैच सॉफ्टवेयर में जितने भी स्प्राइट्स हैं वो हमको हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये सारे स्प्राइट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? यस सर। इसमें ओके ओके, टॉप साइड में आपको डिफरेंट कैटेगरीज दिखाई दे रही है। एनिमल्स, देखो एनिमल्स पे क्लिक किया तो एनिमल से रिलेटेड स्प्राइट मिलेंगे। पीपल्स पे क्लिक किया तो पीपल से रिलेटेड, फैंटेसी पे किया तो फैंटेसी से रिलेटेड। ठीक है, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में जो स्प्राइट्स हमको अवेलेबल हैं स्क्रैच सॉफ्टवेयर के साथ, उनको हम यहां से इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो कुछ लेटर्स भी हैं। ठीक है, अब सपोज मेरे को इसमें ये बियर दिख रहा है ना, इस बियर को इंक्लूड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस बियर पे बस एक सिंगल क्लिक कर दूंगा और ये देखो बियर हमारा कैट के साथ आ गया। ठीक है, सिंगल क्लिक करना है आपको स्प्राइट पे और दैट स्प्राइट विल बी अवेलेबल ऑन योर स्टेज। ठीक है सर, अगर हम लोग को बस बियर लाना है और कैट को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, देखो जैसे ही मैंने बियर को लाया तो देखो बियर वाले स्प्राइट के ऑप्शन पे फोकस आ गया है। आप फिर से इस कैट वाले पे जाओ और कैट के ऊपर एक क्रॉस बटन है, ठीक है, यहां पर। ठीक है, यहां पर जो भी आप स्प्राइट्स इंक्लूड करते हो, ठीक है, उन स्प्राइट्स के राइट टॉप साइड में एक ऑप्शन आ जाता है, उसको सेलेक्ट करके बस क्रॉस को प्रेस कर दोगे, देखो कैट गायब हो गए। ठीक है, नाउ ओनली बियर इज अवेलेबल ऑन योर स्टेज। समझ में आया सबको? यस सर। नाउ यस सर, आई एम नॉट, क्या बोला बेटा, फिर से बोलो सर, अगर बैकग्राउंड चेंज करना हो तो? हाँ, स्टेज का बैकग्राउंड अगर चेंज करना है तो देखो यहाँ पर एक बैकड्रॉप का ऑप्शन होता है, जहां से हमने स्प्राइट सेलेक्ट किया था ना वहीं से एक बैकड्रॉप का ऑप्शन है। ठीक है, तो बैकड्रॉप पे जाके चूज अ बैकड्रॉप पे क्लिक करना है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बैकग्राउंड मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमने बियर सेलेक्ट किया है तो बियर के लिए हम कैसा लेंगे, फॉरेस्ट जैसा एक बैकड्रॉप लेंगे, तो फॉरेस्ट पे क्लिक किया, ये देखो बैकग्राउंड दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ ताकि सबको दिखाई दे। हाँ, अब सबको दिख रहा होगा बढ़िया से। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, now the next step, देखो ये वाला जो बटन है ये फुल स्क्रीन कंट्रोल के लिए होता है, इस पे एक बार प्रेस करोगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा और दोबारा प्रेस करोगे तो अगेन स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब स्प्राइट से रिलेटेड कुछ सर, बैकग्राउंड वाला बेटा आवाज लैग कर रही है आपकी, फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं सर? मैंने कहा मुझे बैकग्राउंड वाला समझ में आया, एक बार और बता दीजिए। हाँ ठीक है, देखो आपके स्क्रीन के बॉटम यानी कि नीचे के राइट साइड में दो बटन्स है ब्लू कलर का। पहला बटन है चूज अ स्प्राइट का, ये दिख रहा है सबको, और इसके राइट साइड में एक बटन है चूज अ बैकड्रॉप। ठीक है, इस वाले बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो फिर से हमको वैसे ही चार ऑप्शन मिलते हैं जैसे स्प्राइट के, तो हमको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? फर्स्ट वाला, नीचे से फर्स्ट वाला चूज अ बैकड्रॉप, ये ऑप्शन दिख रहा है चूज अ बैकड्रॉप सबको? यस सर। बस इस पे क्लिक करना है आपको और इसके बाद आपके सारे बैकड्रॉप या बैकग्राउंड ओपन हो जाएंगे। बहुत सारे बैकग्राउंड पहले से अवेलेबल है इसमें, ठीक है, और वो भी अलग अलग कैटेगरी में। ये देखो म्यूजिक के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, आउटडोर्स के लिए, इंडोर्स के लिए, स्पेस से रिलेटेड, अंडर वाटर पैटर्न्स, ठीक है, बहुत सारे
बैकग्राउंड्स पहले से इसमें अवेलेबल है। फिर से बैक पे जाते हैं, ठीक है। नाउ अब हम सीखना चाहेंगे कि स्प्राइट से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शन हमको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। सपोज करो कि ये जो बियर है ना, इस बियर का हम नाम चेंज करना चाहते हैं। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्प्राइट लिखा हुआ है और राइट साइड में बियर इसका नाम लिखा हुआ है। अगर हम चाहें तो इस बियर का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सब देखो मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, इसको बैक स्पेस से मिटा दो। और उसके बाद सपोज मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ टेडी बियर, तो मैं क्या लिखूंगा, टीई डबल डी वाई एंड देन बी ए आर, ठीक है। ये हो गया इस स्प्राइट का नाम चेंज, ठीक है। नाम चेंज करना सबको समझ में आ गया? नाउ द नेक्स्ट वन इज कि इस बियर का मैं साइज चेंज करना चाहता हूँ। साइज मतलब कि अगर मुझे अपने बैकग्राउंड के कंपैरिजन में ये बियर ज्यादा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको छोटा करने की कोशिश करूंगा, और अगर छोटा लग रहा है तो बड़ा करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये बियर थोड़ा सा छोटा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो साइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, साइज और इसकी वैल्यू कितनी है, 100 सेट दिख रही है आपको? Yes, sir. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस साइज की वैल्यू को कम कर देना। Yes, देख सकते हो। ठीक है, इस साइज की वैल्यू को सपोज आप कर दो 80 और फिर प्रेस करो एंटर। देखो साइज छोटा हो गया बियर का, और छोटा करने की कोशिश करते हैं, अगर हम 80 को कर दें 50 तो ये देखो बियर और छोटा हो गया, दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. Okay, तो साइज अच्छा अगर छोटा कर सकते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं। अगर मैं 100 से ज्यादा बड़ा कर दूं इसका साइज, सपोज मैं कर दूं 120, ये देखो अब बड़ा हो गया है कि नहीं। तो अगर हम अपने स्प्राइट की साइज को बड़ा या छोटा करना चाहें तो साइज वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। ये साइज वाला ऑप्शन समझ में आया सबको? Yes, sir. Okay. इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हम अपने स्प्राइट की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं। डायरेक्शन मतलब ये जो साइज के राइट साइड में ये ऑप्शन दिख रहा है डायरेक्शन, और इसमें लिखा हुआ है 90, तो इस पर क्लिक करने पर वैल्यू नहीं चेंज करनी है हमको, ठीक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरह का आपको एक कंपास मिलेगा, ठीक है। जैसा 360 डिग्री का कंपास होता है वैसा ये कंपास आपको दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के हम रोटेट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस ऑप्शन को पकड़ के रोटेट करूंगा ये बियर भी रोटेट होगा। ये देखो देखो रोटेट हो रहा है। यस सर, यस सर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि स्प्राइट्स को हम सीधा नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, या उल्टा रखना चाहते हैं, या वो उल्टा है और हम उसको सीधा करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम डायरेक्शन ऑप्शन का यूज करते हैं, पूरा अपने स्प्राइट को हम 360 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं, ये ऐसा, ठीक है। ये वापस आ गया अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे। डायरेक्शन चेंज करना बन जाएगा सबसे? यस सर, यस सर। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा कोडिंग वाले पार्ट में चलते हैं, ठीक है। लेकिन कोडिंग पर वाले पार्ट पर चलने से पहले हम थोड़ी साइज इसकी कम कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमको इसका मोशन अच्छे से दिखाई दे। हम इसका साइज कर देते हैं सपोज 40, ठीक है, ये छोटा सा बन गया टेडी बियर। अब हम क्या करना चाहते हैं, सपोज कि सबसे पहले हमको, अगर हम चाहें, सपोज करो कि इस फॉरेस्ट पर इस बियर को हम मूव कराना चाहते हैं कि ये इस ग्रास पर मूव करे आगे की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैं कौन कौन से कोडिंग ब्लॉक्स का यूज करूंगा, ठीक है। सबसे पहले जिस ब्लॉक पर आपको जाना है वो है कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। कंट्रोल ब्लॉक पर जाके आपको इवेंट ब्लॉक पर जाइए, ठीक है। इवेंट ब्लॉक पे आपको सबसे ऊपर वाला ये ब्लॉक दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का फ्लैग वाला व्हेन क्लिक्ड जो लिखा हुआ है, ये दिख रहा है सबको? यस सर, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको पकड़ के माउस से क्लिक करके ड्रैग करना है और फिर अपने स्क्रिप्ट एरिया में ले आना है, ठीक है। इसको मैं यहां से ड्रैग करके कैसे लाया, बस सिंपली इसको क्लिक किया और पकड़ के फिर ड्रैग करके यहां पे ले आया, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है, हमको इस बियर को मोशन देना है, ठीक है। मोशन तो हम मोशन वाले ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और मोशन में देखो पहला जो हमारा ब्लॉक है वो है मूव 10 स्टेप्स, तो इस मूव वाले ब्लॉक को उठा के लाएंगे और इसके नीचे सेट कर देंगे, ये लो ये हो गया सेट, ठीक है। अब इस 10 ब्लॉक को हम सपोज करो थोड़ा वैल्यू कम कर देते हैं, हम इसको 3 ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, मूव 3 स्टेप्स, ठीक है।
अब इसके बाद कुछ चीजें और करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है? क्योंकि जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे ना, तो क्या होगा कि ये बीयर 3 स्टेप मूव करेगा, उसके बाद रुक जाएगा, ठीक है? तो आपको दिखाई ही नहीं देगा कि ये मूव किया या नहीं किया। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके मूवमेंट को रिपीट कराना पड़ेगा, ठीक है? रिपीट कराने के लिए हम जाएंगे कंट्रोल ब्लॉक पे, और कंट्रोल ब्लॉक में आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये रिपीट वाला ब्लॉक, ये सबको दिखाई दे रहा है, यस सर। ठीक है? इस रिपीट वाले ब्लॉक को बाहर लाएंगे और मूव को इसके अंदर प्रेस करेंगे, ठीक है? ये ऐसा, ठीक है? अब देखो कैसा सेटिंग हो गया है कि सबसे ऊपर वैन वाला ब्लॉक लगा हुआ है, वैन ग्रीन कलर क्लिक है ना, ये ग्रीन फ्लैग वाला, उसके अंदर रिपीट ब्लॉक है और रिपीट के अंदर मूवमेंट वाला ब्लॉक है, ठीक है? नाउ इस रिपीट वाले स्टेप को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है? ये जो 10 वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू को हम कर देते हैं सपोज 40, ठीक है? इसकी वैल्यू को हमने 40 कर दिया, ठीक है? अब एक एक करके मैं सारे ब्लॉक्स को आपको एक्सप्लेन करता हूं कि काम कैसे करेगा। देखो जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो होता क्या है कि प्रोग्राम कब से रन करना चाहिए ये हमको इवेंट सिस्टम को बताना पड़ता है, ठीक है? तो हमारा जो पहला ब्लॉक है वो यही काम कर रहा है, ठीक है? व्हेन दिस ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, ठीक है? ये ग्रीन फ्लैग आपको सिस्टम में कहीं और दिखाई दे रहा है कोडिंग विंडो के अलावा? यहां पर दिख रहा होगा, है कि नहीं? देखो यहाँ पर ये गो बटन है यस ना, इस ग्रीन फ्लैग को हम गो बटन कहते हैं। जब भी हमको अपना प्रोग्राम को स्टार्ट करना होता है, तो हम ग्रीन बटन पे क्लिक करके इसको स्टार्ट कर देते हैं, और ये राइट साइड वाला स्टॉप बटन होता है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पहले इसको फुल स्क्रीन पे ले आते हैं और अब इस पे ग्रीन बटन क्लिक करते हैं। ये देखो बियर मूव किया, सर। ठीक है? फिर से करते हैं, ये देखो फिर से मूव किया है कि नहीं, और फिर इसको स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करके फिर हम वापस अपने ओरिजिनल स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो अब देखो ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है? सबसे पहले हमने ग्रीन कलर पे कोडिंग को समझना पड़ेगा, है ना? कोडिंग क्या कह रही है कि व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, मतलब जब गो बटन को क्लिक किया जाए तब क्या हो, इसके नीचे वाला पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है? इसके नीचे जो हमने ब्लॉक्स लगाए हैं वो सब रन कर जाए। तो इसके नीचे हमने लगाया क्या है, सबसे पहले हमने रिपीट ब्लॉक लगाया है, और रिपीट में वैल्यू कितनी दी है, 40, मतलब रिपीट के अंदर जो भी चीज है, रिपीट ब्लॉक के अंदर जो भी ब्लॉक हमने लगाया है उसकी रिपीटेशन होनी चाहिए, कितने टाइम्स होनी चाहिए, 40 टाइम्स। यस 40 टाइम्स। और रिपीट ब्लॉक के अंदर हमने लगाया क्या हुआ है, मूवमेंट वाला ब्लॉक, एंड मूव इक्वल टू 3 स्टेप्स, ठीक है? तो हो क्या रहा है, ये बियर 3 स्टेप्स मूव कर रहा है और ये चीज 40 टाइम्स रिपीट हो रही है, ठीक है? इसलिए हमको ये बियर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? और मूव कराना होगा तो इसकी वैल्यू को हम बढ़ा देंगे तो मूव कर जाएगा। ये प्रोग्राम छोटा सा समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है अगर उसमें किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। यस सर, मेरे को एक डाउट है। पूछो। तो जो ग्रीन फ्लैग को जब हम क्लिक कर देंगे तो सर हम उसको अपने मन से स्टॉप नहीं कर सकते? किसको, बियर को? यस सर। कर सकते हैं, देखो दोनों तरीका है, ठीक है? धीरे धीरे करके हम समझेंगे ना। दोनों तरीका है कि जैसे मैंने यहाँ पर रिपीट ब्लॉक यूज किया था, ठीक है? अगर रिपीट की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो वो बियर मूव करता ही जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर हम चाहें कि ये बियर रुके ही ना, मूव करता ही जाए करता ही जाए, तो इसकी जगह पे हम फिर रिपीट ब्लॉक नहीं यूज करेंगे। लेफ्ट साइड में यहाँ देखो आपको एक फॉरएवर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? ठीक है, फॉरएवर ब्लॉक। फॉरएवर का मतलब क्या है, हमेशा के लिए। अगर फॉरएवर ब्लॉक के अंदर हमने मूव स्टेप डाल दिया तो वो बियर हमेशा मूव करता ही जाएगा करता ही जाएगा करता ही जाएगा, ठीक है? और अगर कुछ स्टेप के बाद उस बियर को हमको रोकना है या डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम ये वाला ब्लॉक यूज करते हैं, इफ देन एल्स वाला ब्लॉक। ये वाला ब्लॉक दिख रहा है सबको? ठीक है, तो मैं धीरे धीरे करके ये सारे ब्लॉक्स एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स इसमें बनाए भी हैं, तो वो प्रोजेक्ट आपको रन करा के दिखाऊंगा। एक्चुअली आप थोड़ा सा वेट करो, ठीक है? मैं अभी वो प्रोजेक्ट आपको रन करा के दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि एक जैसे ये तो छोटा सा प्रोग्राम हो गया, एक बड़े लेवल का प्रोग्राम कैसे रन होता है और उसकी स्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जस्ट वेट सम सेकेंड्स, ओके? ओके सर। तब तक आप एक काम करो, अपनी बुक ओपन करो,
ठीक है, और जो ब्लॉक्स उसमें एक्सप्लेन्ड हैं, जिन ब्लॉक्स के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसको एक बार बुक से रिवाइज करो। बुक नहीं है, बुक नहीं है सबके पास? स्टूडेंट्स आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? यस सर। ये देखो, ये तीन प्रोजेक्ट्स मेरे पास हैं। पहला है ब्रेन गेम, दूसरा है लॉस्ट इन स्पेस और तीसरा है मेमोरी। ठीक है, मैं इसमें से एक आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको प्ले कैसे करते हैं ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको प्ले करने के लिए पहले अपना स्क्रैच वाला विंडो ओपन कर लो। ठीक है, इसमें हमको फिर जाना पड़ेगा फाइल में, है ना। फाइल में जाके फिर हमको सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद वो प्रोजेक्ट जहां पर भी सेव है वहां से इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, वो मेरे पेन ड्राइव में सेव है इसलिए मैं अपनी पेन ड्राइव को सर्च कर रहा हूं। जस्ट अ सेकेंड, ये रही पेन ड्राइव। ठीक है, ये रहा स्क्रैच प्रोजेक्ट और इसके अंदर मेरे को मिल गया ये ब्रेन वाला, मैंने सेलेक्ट किया और ओपन प्रेस कर दिया। ठीक है, और फिर ओके प्रेस कर दिया। ये देखो प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट लोड हो गया। ठीक है, ये ब्रेन गेम सबको दिख रहा है? ओके, अब एक काम करते हैं, इसके कोडिंग को बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं कि कैसा प्ले होता है। ठीक है, साउंड आ रहा है सबको? ठीक है, ये गेम के साथ ही साउंड सेटअप किया गया। ठीक है, देखो प्ले बटन पे मैं प्रेस करता हूँ तो देखो ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइमर चल रहा है लेफ्ट साइड में, और ये जो गर्ल है एक क्वेश्चन पूछ रही है, 5 × 11 = what। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमको यहाँ पे इनपुट करना है। ठीक है, तो 5 × 11 = 55। देखो मैं 55 प्रेस करता हूँ और उसके बाद एंटर। ठीक है, उसके बाद 12 × 10 = 120। 12 × 9, मान लो इसकी वैल्यू गलत प्रिंट कर देते हैं, 56। देखो ये रॉन्ग हो गया। 9 × 4 = 9, टाइम आउट। ठीक है, स्कोर की वैल्यू कितनी हुई राइट साइड में देखो, ये स्कोर कितना दिख रहा है आपको? स्टूडेंट्स रिप्लाई करो। बच्चों आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है। सर आ रही है। ये जो गेम मैंने प्ले किया सबको दिखाई दे रहा था अच्छे से? यस यस सर। ठीक है, तो स्क्रैच में इस तरह का गेम हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी होगा। हम लोग को भी दिखा दीजिए। किसको किसको नहीं दिखाई दिया गेम? ओके, जस्ट अ सेकंड, आई एम रिप्लेइंग इट अगेन। ये स्क्रैच की विंडो दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। गोइंग टू द फुल स्क्रीन, प्लेइंग गो बटन एंड देन प्ले। This time, what is the score?
12. गेम समझ में आया सबको? यस सर. ठीक है, अब इस तरह का गेम डिजाइन करने के लिए आप देखो इस तरह की कोडिंग लिखनी पड़ती है. ये इतनी सी कोडिंग है इसकी. ये कोडिंग दिखाई दे रही है सबको? ये वाली कोडिंग. स्क्रिप्ट विंडो पे सबको कोडिंग दिख रही है? यस सर. यस सर. ठीक है, तो इस तरह की कोडिंग अगर हम डिजाइन करें तो इस तरह का गेम डिजाइन किया जा सकता है. ठीक है, लेकिन ये अपने से करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब मैं आपको केवल सारे ब्लॉक्स की वर्किंग समझा सकता हूं कि कौन सा ब्लॉक क्या काम करता है, कैसे करता है. ठीक है, लेकिन डिजाइनिंग तो आपको खुद ही से करनी पड़ेगी, है कि नहीं? एक और प्रोजेक्ट देखोगे? यस सर. ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई एम गोइंग टू लोड द सेकेंड वन. इसका नाम है मेमोरी. ये देखो लोड हो गया. ये थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें आपको कोडिंग ज्यादा दिख रही होगी. ठीक है, प्ले करते हैं. इस गर्ल का नाम है बैलेरीना. ठीक है, ये गर्ल आपको दिखाई दे रही है इन द व्हाइट स्कर्ट? यस. ठीक है, इस गेम में करना क्या है कि जैसे ही मैं इस गेम को ऑन करूंगा कि ये जो बैलेरीना है ना, पीछे से म्यूजिक बजेगा और ये बैलेरीना की जो ड्रेस है इसका कलर चेंज होगा. ठीक है, उस कलर को हमको मेमोराइज करना पड़ेगा. बार बार इसके ड्रेस का कलर चेंज होगा और हमको उसको मेमोराइज करना होगा. ठीक है, और कलर्स क्या होंगे? रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो. ये जो सामने आपके चार इंस्ट्रूमेंट्स है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें जो कलर है रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो. ठीक है, इन्हीं कलर्स में इसकी ड्रेस का स्कर्ट चेंज होगा. हमको उस ऑर्डर में उसको याद करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर उसको प्रेस करना पड़ेगा इन इंस्ट्रूमेंट्स पे. अगर हमने सही प्रेस किया, सही ऑर्डर में प्रेस किया तो पीछे से म्यूजिक बजेगा. ठीक है, और गलत प्रेस किया तो गेम ओवर हो जाएगा. गेम समझ में आया सबको? यस सर. ठीक है, पहले एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको भी चांसेस दूंगा. सबको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना सबसे अच्छा बैलेरीना? यस सर. ओके, लेट्स स्टार्ट. एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूं आपको. ठीक है, देखो मेरे को लगता है कि ग्रीन देन रेड देन रेड, ये है ऑर्डर. ठीक है, तो मैं प्रेस करता हूं ग्रीन रेड एंड देन रेड. देखा आपने? ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, 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 ब्लू, ग्रीन, ग्रीन. गेम समझ में आया सबको? यस सर. यस सर. ठीक है, आप जब देखो, आप जब तक गलत ऑर्डर नहीं प्रेस करोगे तब तक गेम चलता ही जाएगा. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. अब मुझे एक बात बताओ, आप में से कौन ये गेम खेलना चाहेगा? सर मैं. सर आई. सर मैं. सर मैं भी. जस्ट अ सेकंड, मैं सबको चांस नहीं दे सकता. एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले अर्पिता पाठक. यस सर. आर यू एबल टू व्यू द स्क्रीन? यस सर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. देखो एक और रूल है. ठीक है, जैसे ही आप सही ऑर्डर प्रेस करते हो उसके बाद म्यूजिक बजने के बाद तुरंत फिर से सेकंड राउंड चालू हो जाता है. वो अपना स्कर्ट का कलर चेंज करने लगती है. ठीक है, तो आपको वेट नहीं करना है, ये गेम चलता ही जाएगा जब तक आप गलत ऑप्शन ना दो. तो आपको देखते रहना है. ठीक है, पहले अर्पिता खेलेगी, उसके बाद मैं दूसरे बच्चों को चांस दूंगा. ठीक है, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. ठीक है, नहीं तो फिर सुनाई नहीं देगा. ठीक है अर्पिता, लुक ऑन टू योर स्क्रीन. ठीक है, तुम जो ऑर्डर बताओगी उसी ऑर्डर में मैं फिर प्रेसिंग करूंगा. ओके सर. ओके, लेट्स स्टार्ट. रेडी अर्पिता? यस सर. टेलर पिता सर. येलो, ग्रीन, ब्लू. ओके, येलो, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन देन ब्लू.
रेड ग्रीन येलो ब्लू रेड ग्रीन येलो ब्लू ब्लू ग्रीन रेड ठीक है, क्योंकि ब्लू उसने दो बार पहना था। ठीक है, आप बीट पे भी ध्यान दिया करो, बीट पे जो साथ में बज रहा है ना, ब्लू दो बार था, उसके बाद ग्रीन दो बार था। समझ में आ रहा है बाकी बच्चों को? ओके, नाउ द चांस गोज टू देवोग्य सिंह। देवोग्य सिंह कौन है? सर मैं हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? देवज्ञ सिंह। अच्छा, देवज्ञ सिंह। ओके, आर यू रेडी टू प्ले? यस सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। एल सर ग्रीन ग्रीन येलो 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 सर मैं बताऊं येलो ग्रीन येलो येलो ग्रीन येलो और एक और कोई था ग्रीन नो रॉन्ग लास्ट वन वाज अगेन येलो नेक्स्ट चांस नाउ हु वुड लाइक टू प्ले सर मी साक्षी पाठक बी रेडी Yes, sir. Go. Sir, blue, green, blue. Sir, blue, green. Green. No, wrong. Sir, blue, blue, green. Yes, that was the correct order. Now, who would like to play? SD Bhaskar. What's your name? Sanskriti Bhaskar. Okay. Be ready. Go. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, क्लियर बोलो। आई थिंक देयर इज अ कनेक्शन प्रॉब्लम, यू आर नॉट ऑडिबल। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम स्क्रैच में अलग अलग कोड कर सकते हैं और अलग अलग गेम्स डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, नाउ आई एम क्लोजिंग इट। Now I have start the stop the sharing my screen. अभी तक जो भी हमने पढ़ा या प्रैक्टिकल देखा, इसमें किसी को कोई डाउट है? No sir. No sir. No sir. No sir. सर आप इससे हम लोगों को बनाना कब सिखाएंगे?
देखो बेटा, अभी मैंने सिर्फ ये दिखाया है कि इसमें प्रोजेक्ट होते कैसे हैं। बनाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत करने का मतलब पहले हमको बुक से एक एक ब्लॉक को सीखना पड़ेगा कि कौन कौन सा ब्लॉक काम कैसा करता है। अभी तो मैंने आपको कुछ ही ब्लॉक का यूज करना सिखाया, जैसे इवेंट ब्लॉक, मोशन ब्लॉक, है ना, मूव करने वाला ब्लॉक। इस तरह से हमको सारे ब्लॉक्स को पहले सीखना पड़ेगा। जब हम सारे ब्लॉक्स को सीख जाएंगे उसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट खुद से डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है। एक बात और, क्लास 7th में स्क्रैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। क्लास 8th में स्क्रैच नहीं है, लेकिन क्लास 9th और 10th में वापस स्क्रैच आएगा, ठीक है। क्लास 9th में भी स्क्रैच के चैप्टर्स हैं और क्लास 10th में भी स्क्रैच के चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये आपके आगे भी काम आने वाला है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द बुक। बुक में मैंने कौन से पेज नंबर तक पढ़ाया था ये बताओ जरा, कहां तक एक्सप्लेन किया था स्क्रैच वाले चैप्टर में? सर आप अभी तक सर आप स्प्राइट लिस्ट पे थे। स्प्राइट लिस्ट, ओके। अब मैं अपनी प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन यूज करके आपको बुक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बुक तो वैसे आपके पास होगी, लेकिन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको ताकि दिखाई दे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं बुक ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट। क्लोज योर माइक्स। आर यू एबल टू व्यू द स्प्राइट लिस्ट ऑप्शन ऑन माई स्क्रीन? यस सर। ओके, तो देखो यहां पर स्प्राइट लिस्ट वाले में मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि स्प्राइट की लिस्ट हमको, अभी हम देख रहे थे ना स्क्रैच में, जो भी स्प्राइट्स को इंक्लूड करते थे वो स्टेज के नीचे वाले विंडो पर हमको स्प्राइट लिस्ट के फॉर्म में दिखाई देता था, ठीक है। तो उस स्प्राइट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस होते हैं। पहला शो है, दूसरा एक्सपोर्ट दिस स्प्राइट है, तीसरा डुप्लीकेट है और चौथा डिलीट है। ये मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि अगर हम एक स्प्राइट को एक से ज्यादा टाइम्स चाहते हैं अपने स्टेज में तो हम डुप्लीकेट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, और डिलीट करना चाहें तो डिलीट वाला करेंगे, ठीक है। डिलीट करके मैंने अभी दिखाया था, तो ये सारे ऑप्शंस आप खुद से प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट वन इज बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि देखो यहां पर ये बैकग्राउंड नाम से है, लेकिन स्प्राइट में सॉरी स्क्रैच में ये बैकड्रॉप नाम से आप वहां पे मिलेगा आपको, ठीक है। अभी मैंने दिखाया था कि कैसे बैकड्रॉप ऑप्शन का यूज करके आप अपने स्टेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। वेरियस बैकग्राउंड ऑप्शन आर अवेलेबल इन द स्क्रैच सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब आप सोचोगे कि उस सॉफ्टवेयर में और इस बुक में जो लिखा हुआ है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। बेटा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इस बुक में जो सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन्ड है ना वो स्क्रैच का थोड़ा सा ओल्डर वर्जन है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्क्रैच 1.4 है, जबकि हम जो स्क्रैच पे काम कर रहे थे वो स्क्रैच 3.4 था, ठीक है। तो वो थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन है, न्यू वर्जन है, इसलिए ऑप्शंस थोड़ा सा ऑप्शंस की पोजीशनिंग थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। लेकिन सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको बुक में मिलेगा और उस वर्जन पे नहीं मिलेगा, या फिर जो वर्जन में है और बुक में नहीं मिलेगा। समझ में आ रही मेरी बात सबको? ओके, बैकग्राउंड तो सीख ही गए। नाउ नेक्स्ट इज सेविंग अ प्रोजेक्ट। सेविंग अ प्रोजेक्ट मतलब कि जैसे हम कोई किसी फाइल को क्रिएट करते हैं, तो फाइल को क्रिएट करने के बाद उसको सेव करना जरूरी होता है, ठीक है। तो सेव करना क्यों जरूरी है ये तो आपको पता ही है, ताकि हम वापस उसको रिट्राइव कर सकें, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको स्क्रैच ओपन करके एक फाइल बना के सेव करके दिखाता हूँ। सेव करना, ओपन करना और शेयर करना, ये तीनों का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत आसान है। जस्ट अ सेकेंड,
Again, are you able to view the scratch desktop screen on my screen? Yes, sir. Okay, अब जल्दी जल्दी हम कुछ बैकड्रॉप लगा लेते हैं. देखो ये बैकड्रॉप का ऑप्शन था, बैकड्रॉप हमने इंक्लूड किया. यहाँ पे एक ये बैकग्राउंड लगा लिया, इसमें ये कैट लगा लिया, और इसमें सपोज कोई कुछ और स्प्राइट इंक्लूड कर लेते हैं. ठीक है, कैट के अलावा सपोज कि एक गर्ल को इंक्लूड कर लेते हैं. ये देखो गर्ल आ गई. ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब इसको सेव करना सीखना. तो सेव करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? फाइल में. ठीक है, ये फाइल ऑप्शन दिख रहा है सबको. इस फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखो यहाँ थर्ड ऑप्शन है सेव टू योर कंप्यूटर, इस पे क्लिक करेंगे. ठीक है, उसके बाद एक विंडो ओपन होगा, वो आपसे फाइल का नाम मांगेगा. ठीक है, तो जो भी आप फाइल का नाम लिखना चाहते हो, सपोज करो मैं यहां पर फाइल का नाम लिखना चाहता हूं माई फर्स्ट स्क्रैच प्रोजेक्ट. ठीक है, ये मैंने लिख दिया. और उसके बाद नेक्स्ट थिंग है कि इस फाइल को मेरे को कहां पे सेव करना है. अच्छा, कोई बच्चा मेरे को बताएगा अगर मैं चाहूं इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना तो कैसे कर सकता हूं? Anyone can tell me? Sir, copy yeah. to. Yes, tell. You can Sir, copy complete. कॉपी नहीं बेटा, देखो इसको सेव करना है ना, तो देखो ये लेफ्ट साइड में जो आपको लोकेशंस दिखती है ना, हम यहीं से सिलेक्शन कर सकते हैं. यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में डेस्कटॉप का ऑप्शन दिख रहा है, ये डेस्कटॉप वाला ऑप्शन. स्टूडेंट्स रिप्लाई, ये डेस्कटॉप बटन दिख रही है आपको लोकेशन? यस सर. ठीक है, तो आप केवल इस डेस्कटॉप पे क्लिक कर दो. ठीक है, तो अब लोकेशन चेंज होके डेस्कटॉप हो गई. अब जब आप सेव बटन पे प्रेस करोगे ना, तो ये फाइल जानते हो कहाँ सेव होगी? ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पर ही सेव होगी. ठीक है, तो इस तरह से हम लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं कि हम अपनी फाइल्स को कहाँ सेव करना चाहते हैं. मान लो कि अब डेस्कटॉप पे हम एक नया फोल्डर बना के उसके अंदर सेव करना चाहते हैं. ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? ये देखो डेस्कटॉप वाला लोकेशन सेट है, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑर्गेनाइज के राइट साइड में. यस सर. ठीक है, न्यू फोल्डर पे क्लिक करो, यहीं पर आपको न्यू फोल्डर बनाने का ऑप्शन आएगा. इसमें सपोज मैं नाम लिख देता हूं स्क्रैच प्रोजेक्ट्स. ठीक है, ये लिख के और फिर इसको एंटर कर दिया और फिर इसको ओपन कर लिया. ओपन करने के बाद जब आप प्रेस करोगे सेव, तो ये जो डेस्कटॉप सॉरी ये जो प्रोजेक्ट है आपका उसी फोल्डर के अंदर सेव होगा. ये देखो मैं सेव करने जा रहा हूं, ये सेव बटन पे प्रेस किया, ये प्रोजेक्ट हो गया सेव. ठीक है, अब मैं स्क्रैच स्क्रीन को बंद कर देता हूं, इसको लीव कर देता हूं. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. हाँ हाँ, मैं एक मिनट प्रेजेंट कर रहा हूं. हाँ, अब दिख रही है स्क्रीन? यस सर. ये फोल्डर दिखाई दे रहा है जो डेस्कटॉप पे मैंने बनाया था स्क्रैच प्रोजेक्ट्स. This folder, इस फोल्डर को देखो मैंने ओपन किया, तो देखो ये हमारी फाइल दिख रही है हमको, ये मैं बड़ा कर दिया, ये देखो माई फर्स्ट स्क्रैच प्रोजेक्ट, ये दिख रहा है. और फिर इसको ओपन करने का तरीका क्या होगा? ओपन करने के लिए ये देखो इसको बंद कर दिया और उसके बाद फिर से अपना स्क्रैच सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे. स्क्रैच सॉफ्टवेयर को ओपन करके जैसे मैंने प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया था वैसे ही इसको इंक्लूड करेंगे. ठीक है, ये ओपन हो गया. फिर जाएंगे फाइल ऑप्शन पे, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेकंड ऑप्शन लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर. ठीक है, और उसके बाद कहाँ सेव किए थे वहां से लाना पड़ेगा, तो फिर से डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और डेस्कटॉप पे वो प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम था स्क्रैच प्रोजेक्ट, तो इसको क्लिक करेंगे और फिर हमारा ये प्रोजेक्ट था माई फर्स्ट स्क्रैच प्रोजेक्ट, इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे. तो देखो ये प्रोजेक्ट वापस ओपन हो गया. सर, अगर हम लोगों को ऐसा करना है कि हाँ बोलो बोलो सर, अगर हम लोग को इधर से एक लड़की आ रही है और तर एक बस जा रही है, तो हम लोगों में एक्सीडेंट होने वाला होता है, तब से बस रुक जाती है, तो सर कैसे बनाएंगे? बेटा मैं आपको ये आगे की क्लासेस में बताऊंगा. मैं बता रहा हूँ ना कि देखो मोशन ब्लॉक से रिलेटेड या कोई भी एनिमेशन से रिलेटेड जो भी चीज हम इसमें करना चाहें, ठीक है, वो आप तभी कर पाओगे जब आपको सारे ब्लॉक्स की मीनिंग पता हो. ठीक है, अभी मेरे को ये जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्क्रैच पढ़ा ना, इसमें तो हमने केवल बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा है. अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है स्क्रैच 2 चैप्टर नंबर 3, उसमें हम सारे ब्लॉक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे.
जब उस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा ब्लॉक क्या काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही प्रोजेक्ट बना लोगे। समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, ये सारे जो ब्लॉक्स है ना, पहले इन ब्लॉक्स की वर्किंग को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सा ब्लॉक क्या क्या काम करता है। अब जैसे आप बोल रहे हो कि एक बस आए और एक तरफ से लड़की आए, ठीक है, तो ये तो तब होना चाहिए ना जब बैकग्राउंड में फुटपाथ हो। फुटपाथ पे बस आएगी, एक साइड से लड़की आएगी, ठीक है, फिर लड़की को देख के बस का ब्रेक लगना चाहिए, ठीक है। इस तरह की अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो पहले इन सब के बारे में सीखना भी पड़ेगा ना। तो सीखने के लिए पहले हमको सारे ब्लॉक्स के बारे में सीखना पड़ेगा। तो ये चीज हम कब पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3 में, जस्ट हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसमें हमको इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है। अच्छा बताओ, सेविंग प्रोजेक्ट और ओपनिंग का प्रोजेक्ट सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको मिनिमाइज कर दूं। जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन नेम भी कुछ होता है। एक्सटेंशन नेम पता है आपको क्या होता है? डॉट के बाद क्या बोले? ईएक्सटी। .ext इज फॉर एक्सटेंशन। देखो एक्सटेंशन नेम क्या होता है कि जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उस फाइल के लास्ट में डॉट लगा के कुछ वर्ड्स लगा के वो फाइल सेव होती है, ठीक है। अब स्क्रैच में अगर कोई फाइल सेव होती है तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है पता है? .sb। आपकी बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर 22 पे देखो। यस लिखा है, ठीक है, पेज नंबर 22 पे। जस्ट अ सेकंड, मैं बुक ओपन कर रहा हूं। Do you know में लिखा? Yes, page number 22 में saving a project जो दिया हुआ है ना, उसी में do you know में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? In scratch the file gets saved with the extension .sb। मिला सबको ये? अब आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है? तो कहने का मतलब है कि स्क्रैच में अगर कोई भी फाइल सेव होती है तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा? .sb। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, याद रहेगा सबको। तो जैसे HTML, हाँ, जैसे HTML में .html एक्सटेंशन होता है, वेरी गुड, ठीक है। हर सॉफ्टवेयर में जो हम फाइल डिजाइन करते हैं उसका कुछ ना कुछ एक्सटेंशन नेम जरूर होता है। समझ में आ गया सबको ये चीज? नो सर, एक बार और बता दीजिए। कोई भी सॉफ्टवेयर में जब हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसको सेव करते हैं तो सेव करने के साथ साथ उस फाइल के नेम के साथ एक एक्सटेंशन नेम ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अभी जो मैंने एक फाइल सेव की थी ना हमने, चलो देखते हैं कि उसका एक्सटेंशन नेम क्या है, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। कहाँ सेव किया था हमने? स्क्रैच प्रोजेक्ट्स में। ये फोल्डर दिख रहा है आपको? हाँ, ये देखो फाइल का नाम मैंने क्या लिखा था? माई स्क्रैच प्रोजेक्ट, लेकिन .sb ये अपने आप कैसे ऐड हो गया? क्योंकि उसका एक्सटेंशन नेम है। यस, ठीक है। फाइल का एक्सटेंशन नेम अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म इट सॉफ्टवेयर इज ऑटोमेटिकली एडेड विद द नेम ऑफ द फाइल, ठीक है। जैसे ही हम फाइल को सेव करते हैं तो वो किस सॉफ्टवेयर में बना है उसके अकॉर्डिंग उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। समझ में आ गई सबको ये बात? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट थिंग ये है कि आपको कॉपी में नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये बताओ कि यहाँ तक के नोट्स सब लोग बनाए हो कॉपी में, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था? यस सर, ओके। तो अब यहाँ से सर पूरा बना चुके हैं। ओके, कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 2 के नोट्स सबको कंप्लीट कर लेना है। जिसने कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि स्क्रैच 2 स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और सारे ब्लॉक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। यस सर, मैंने कहा कि सर हम लोग अपना वर्क भेज सकते हैं ग्रुप। यस, बट आफ्टर द क्लासेस,
ठीक है, या फिर ब्रेक जो होता है ना 15 मिनट्स का, उसी में भेजोगे, बिटवीन द क्लास कोई नहीं भेजेगा, ठीक है? यस सर। और कोई मेरे पर्सनल नंबर पे नहीं भेजेगा, सब ग्रुप में भेजना, ठीक है? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सर, थैंक यू, आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। थैंक यू सर। Okay, you can leave now. Thank you, sir.